नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने बिग बॉस की कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिग बॉस के घर में आज क्या खास होने वाला है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया है जिसका नाम था लग्जरी बजट टास्क। इस टास्क के लिए बिग बॉस ने घर वालों को दो टीमों में बांट दिया था और जीतने वाली टीम को बिग बॉस की तरफ से कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं कि बिग बॉस में इस सीज़न में हमने खासकर देखा है कि अक्सर टास्क रद्द हो जाते हैं और एक बार फिर से आज भी शायद कहीं ना कहीं वही नौबत आ गई है कि टास्क रद्द हो जाएगा, क्योंकि सना ने जाकर एक बार फिर से टास्क खराब करने की कोशिश की है। और इसके दौरान ही हमने देखा कि देबोलीना और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि देबोलीना के बगल से भाऊ गुजर रहे थे और फिर देबोलीना को शायद कुछ लग गई और वो ज़ोर से भाऊ पर चिल्लाने लग गई और फिर भाऊ ने देबोलीना को गले लगाया, कहा कि सॉरी। हालांकि देबोलीना ने फिर भी भाऊ को कहा कि मुझे चोट लग गई है और आप सॉरी मंजूर कर दीजिए। तो देबोलीना का ये रिएक्शन था, ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि भाऊ से जो हुआ वो लग रहा था कि उनसे अनजाने में हो गया और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। इसके बाद देबोलीना और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस देखने को हमें मिला। देबोलीना और सिद्धार्थ शुक्ला को हमने देखा है कि ये अक्सर झगड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज के एपिसोड में ये इनके बीच एक थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा हमें। और देबोलीना सिद्धार्थ शुक्ला का हाथ धुलाते हुए नजर आ रही हैं और सिद्धार्थ शुक्ला भी घर वालों से कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक हैपी मोमेंट हो रहा है, जो उनसे बात करते हैं और जो नहीं करते हैं वो यहाँ आ जाए और देखिए कि देबोलीना मेरा हाथ धुला रही है। इसके बाद सना और आरती और घर के अन्य सदस्य देबोलीना को चिढ़ाने लगे। इसके अलावा घर में आज हमें देखने को मिलेगा हिंदुस्तानी भाऊ, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो एक बार करते हुए घर में नजर आएंगे। बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की थी कि भाऊ को घर में तीन जनों पर वीडियो बनाना है और भाऊ ने डिसाइड किया कि वो वीडियो शहनाज, पारस और माहिरा पर बनाएंगे। और भाऊ ने सबसे पहला वीडियो बनाया शहनाज पर और शहनाज को उन्होंने कहा कि क्यूट है लेकिन ये बहुत चाकर हैं और ये जो भी काम करती हैं बहुत शातिर हैं, तो इन्हें क्यूट आप मत समझिए। पारस के बारे में जो भाऊ ने कहा था, जो जब वो एंट्री करने वाले थे घर में, कहा था कि ये कन्या राशि है, हमेशा लड़कियों के बीच रहते हैं, तो पारस के बारे में भी वही भाऊ ने कहा। लेकिन माहिरा, जिनके ऊपर शायद भाऊ वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन भाऊ को माहिरा ने ही कहा कि भाऊ आप मेरे ऊपर वीडियो बनाइए, और भाऊ ने कहा ठीक है मैं आप पर भी वीडियो बनाऊंगा। और भाऊ ने माहिरा को कहा कि ये बड़े होठ वाली छिपकली है और ये बोलते हुए उन्होंने पारस का नाम लिया कि पारस भी माहिरा को बड़े होठ वाली बोलते हैं। और इसके बाद भाऊ ने माहिरा को कहा कि ये झगड़ा बहुत करती हैं और जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो इन्हें उस झगड़े में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सारी बातें भाऊ ने कही। हालांकि माहिरा को जो बात भाऊ की सबसे ज़्यादा लगी वो थी जब उन्होंने माहिरा को कहा कि बड़े होठ वाली छिपकली, और भाऊ ने इसमें पारस का नाम लिया था कि पारस ने ही माहिरा का ये नाम रखा है। और फिर इसके बाद माहिरा भाऊ से तो झगड़ते हुए नहीं नजर आई, लेकिन उनकी लड़ाई पारस से होती हुई नजर आई। वो पारस से लड़ रही थी, वो पारस को कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों कहा, अब भाऊ ने मुझे ऐसा कहा है। और तो ये बातें थी। और ये भी आज होगा कि टास्क के बाद बिग बॉस ने, जैसा कि हर हफ्ते होता है, क्योंकि अब बिग बॉस के घर में जेल भी आ चुका है, तो हर हफ्ते दो कंटेस्टेंट को जेल में डाला जाता है। और ये वोटिंग हुई कि कौन से दो सदस्य हैं जिन्हें जेल में आप लोग भेजना चाहते हैं, और वोटिंग हुई और इस बार घर में सबसे ज़्यादा वोट मिले पारस और माहिरा को, और पारस और माहिरा को जेल में भेज दिया गया। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज पहले कंटेस्टेंट थे जो जेल में गए थे, उसके बाद फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और उनके साथ असीम को जेल में भेजा गया था, और पारस और माहिरा तीसरे कंटेस्टेंट हो गए हैं जेल में जाने वाले। इसके बाद बिग बॉस ने एक और टास्क घर वालों को दिया जिसमें सिर्फ लड़के इन्वॉल्व थे, और इस टास्क का नाम था गार्नियर मेन एक्नो फाइट टास्क। और इसके लिए तीन टीमें बनाई थी बिग बॉस ने, और ये तीन टीम थी, एक टीम थी सिद्धार्थ और असीम, दूसरी टीम थी भाऊ और विशाल, और तीसरी टीम खेसारी और अरहान की थी। और इस टास्क को जीतने
वाली टीम को गार्नियर की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो ये खास बातें हैं जो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी, और इसमें भी सबसे ज़्यादा खास है माहिरा और पारस के बीच आखिर क्या होगा, क्योंकि अब तक हमने सिद्धार्थ शुक्ला, असीम सिद्धार्थ शुक्ला, आरती सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, इनकी लड़ाई देखी है, कहीं ना कहीं रश्मि और सिद्धार्थ की लड़ाई, ये सारी लड़ाई हमने देखी है, लेकिन पहली बार माहिरा और पारस के बीच कुछ सीरियस होगा घर में, और दोनों ही जन एक दूसरे को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनकी फाइट जो हो रही है क्या इन्हें अलग करा देगी, क्योंकि माहिरा कुछ दिन से पारस की बातों से थोड़ी चिढ़ी हुई रहती हैं, और पारस भी जिस तरीके से माहिरा को अब तक उनसे बात करते थे प्यार और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में दोनों के बीच जो मैं हो रही है उससे शायद हो सकता है कि दोनों अलग हो जाए या फिर दोनों अब एक साथ न रहें।